बेसिक टेबल के अलावा भी आपको टेबल में एक रो स्पैन होता है, एक कॉल स्पैन होता है। कॉल स्पैन का मतलब ये होता है कि दो टेबल को आपस, दो कॉलम को आपस में मर्ज करना। जैसे अगर आपके पास फर्स्ट नेम है, अगर नेम के अंडर देखोगे तो नेम के अंदर फर्स्ट नेम आएगा, फिर लास्ट नेम आएगा। और अगर आप कभी ऐसे एड्रेस में देखते हो तो एड्रेस में परमानेंट एड्रेस होता है, लोकल एड्रेस होता है, या फिर मोबाइल नंबर में अगर कॉन्टैक्ट देखते हो तो कॉन्टैक्ट में आपका मोबाइल नंबर हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, या अल्टरनेट नंबर हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है, एक ही कॉलम के अंदर दो चीज़ें होती हैं। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कॉल स्पैन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और बाकी आपका वो पुराना ही कॉन्सेप्ट रहेगा, जैसे HTML का आपका हेड टाइटल आपने जैसे ओपन किया, इसी में हमने दे दिया कॉल स्पैन। कॉल स्पैन का हम लोग यहाँ पे कॉल स्पैन विथ टेबल टैग, टेबल टैग में हम कॉल स्पैन का टैग यूज करेंगे। हेड हमने को क्लोज कर दिया। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था ना, जब हम लोगों ने देखा था कि हेड रहेगा HTML के अंदर, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, यहाँ से बॉडी स्टार्ट होगा। बॉडी के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, बाकी की चीज़ें को रखते हैं। जैसे टेबल हमने रख दिया, टेबल के अंदर अगर हमें एक फर्स्ट रो लगानी है तो फर्स्ट रो लगा दिया। अब टेबल में हमने क्या किया, फर्स्ट रो में एक कॉलम हमने बना दिया नेम। नेम के लिए हमें टेबल हेडिंग लगाते थे, TH का मतलब टेबल हेडिंग होता था। यहाँ पे हमने नेम दे दिया और TH को क्लोज कर दिया। दूसरा हमने दे दिया एड्रेस, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे ना एड्रेस के लिए, तो TH में हमने दूसरा कॉलम दे दिया एड्रेस। ये फर्स्ट रो का दूसरा कॉलम है। और फिर इसी में हमने थर्ड कॉलम हमने बनाया यहाँ पे कॉन्टैक्ट का और TH को क्लोज कर दिया। अच्छा, इसमें अगर हमें बॉर्डर नहीं देंगे तो बॉर्डर दिखेगा नहीं, तो एक बार अभी सेव करके देखेंगे कि कैसे हम बॉर्डर लगाएंगे। TR पहली रो हमने क्लोज कर दिया। अब सेकेंड रो में अगर हम बनाते हैं तो सेकेंड रो यहाँ से लगेगा और सेकेंड रो हमने क्लोज कर दिया। और फर्स्ट रो में हम लोगों ने देखा था कि इसमें दो कॉलम हमारा मर्ज होगा, क्योंकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो चीज़ें यूज होंगी ना। तो यहाँ पे हम इसके नीचे आएंगे, टेबल हेडिंग हमने दे दिया, एक का दे दिया फर्स्ट नेम और TH को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या दे दिया, TH, इसी में हमने दे दिया लास्ट नेम। फिर से हमने क्या किया, TH को क्लोज कर दिया और एड्रेस में हमने दे दिया फिर से लोकल एड्रेस या परमानेंट एड्रेस, एड्रेस, और फिर TH को क्लोज कर दिया। फिर से हमने TH लगाया, TH में हमने लोकल एड्रेस दे दिया, TH को क्लोज कर दिया। कॉन्टैक्ट में अगर हमें देना है तो हमने फिर से दे दिया मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर के बाद हमने TH को क्लोज किया। फिर से हमने दे दिया फ़ोन नंबर दे दिया या फिर अल्टरनेट नंबर दे दिया, अल्टरनेट नंबर, TH को क्लोज कर दिया। अब इसी के करेस्पॉन्डिंग अगर हमें क्या करना होगा, उसके कंटेंट्स को रखने होंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए नेम में हमारे पास क्या हो रहा है, दो कॉलम्स को यहाँ पे रखा जा रहा है, और इसमें भी एड्रेस के अकॉर्डिंग भी दो कॉलम्स दिए जा रहे हैं, मोबाइल के कॉन्टेक्ट में भी दो कॉलम। तो इसी के करेस्पॉन्डिंग अभी हमें आगे भी डेटा भी देना होगा। डेटा में जैसे मान लो अगर हमने इसमें हमने फर्स्ट नेम में ले लिया अंकित, ठीक है, और यहाँ पर हमने ले लिया अंकित, क्या लिखते हो सर नेम, यादव, ठीक है। और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस कहाँ से बिलोंग करते हो आप, बिहार से हमने दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी लोकल एड्रेस में अभी हमारा द्वारका मोड़ दे दिया, ठीक है।
मोबाइल नंबर में क्या डालते हो आप? 7838 5800 00 66 03। और अल्टरनेट नंबर यहाँ पे अगर हमने डाल दिया तो यहाँ पे अल्टरनेट नंबर 9970808450 कुछ इस तरीके से दे दिया। अब यहाँ से लास्ट में हमने क्या किया, टेबल को क्लोज कर दिया। ठीक है, अभी तो आप कहोगे जैसे पहले हम लोग कर रहे थे वैसे ही है, जैसे नॉर्मल टेबल टैग लगाते थे वैसे ही है, इसमें कुछ ऐसा विशेष स्पेशली कोई चेंजेज नहीं है। बट हाँ, अगर हम इसको अभी रन करा करके देखेंगे ना तो थोड़ा सा ये आउटपुट हमारा जो होगा अलग तरीके से दिखाएगा। जैसे हमने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, टेबल टैग या कॉल स्पैन कर दिया .html, इसको सेव करके इसको रन कराते हैं तो आप देखोगे थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर अलग तरीके से दिखेगा। देख रहे हो, बहुत ही डिस्टरबेंस तरीके से दिख रहा है। अगर थोड़ा सा बॉर्डर अगर हम यहाँ पे दे देते हैं तब पर भी आपको लगेगा कि अभी भी सही नहीं हो रहा है। हमने यहाँ पे बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर में हमने 2 पिक्सल दे दिया, सेव किया और मैंने इसको रन कराया तो यहाँ पे भी देख रहे हैं ऊपर 3। अब हमें तो ये वाले कॉलम को हमें यहाँ तक कवर करना है ना, नेम को हमें 2 कॉलम तक लेना है। जैसे अगर हम देखें तो नेम हमारा कहाँ तक होना चाहिए था, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बराबर तक होना चाहिए था। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 कॉलम को आपस में मर्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉल स्पैन, कॉल स्पैन कितने कॉलम का करना है, 2 कॉलम का। तो फिर अब ये अगर आप 2 कॉलम का यहाँ पे करते हो और इसको रन कराते हो और इसको रिफ्रेश करते हो, देखिए हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बराबर आ गया ना। वैसे हम कॉन्टेक्ट का भी करेंगे, कॉन्टेक्ट का करने के लिए यहाँ से जाएंगे, फिर से इसमें भी हम कॉल स्पैन लगाएंगे, कॉल स्पैन 2 करेंगे। तो इसको फिर से आप देखोगे तो आपको वही चीज़ें मिलेगा कि आपका एड्रेस भी देखिए दोनों का हो गया। ऐसे हमें इसका कॉन्टैक्ट का भी करना होगा तो इसको भी हमें कॉल स्पैन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये कॉल स्पैन क्या करता है, 2 कॉलम को आपस में मर्ज करेगा या जोड़ता है। 2 कॉलम को जोड़ना है तो 2 कॉलम, 3 कॉलम को जोड़ना है तो 3 कॉलम, बाकी ये हमारा क्या है, कॉल स्पैन। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, फर्दर एंट्री करेंगे और आगे चल करके हम नेक्स्ट वाले में देखेंगे कि रो स्पैन क्या होता है।